गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए नीलू चरानी को 18 जून को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में दोषी करार दिए गए नीलू चरानी को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। बचाव पक्ष के वकील महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि दोषी की सजा को लेकर अदालत में बहस हुई। सीबीआई के वकील ने चली अदालत की कार्यवाही में भाग लिया। सीबीआई के वकील जहां दोषी को सजाए मौत की मांग कर रहे थे, तो वहीं बचाव पक्ष ने उम्र कैद की मांग उठाई। ऐसे में अब अदालत 18 जून को दोषी नीलू चरानी को सजा सुनाएगी। इससे पहले कोरोना की बंदिशों के कारण दोषी को अदालत में पेश नहीं किया जा सका था। इसके चलते 5 बार मामले में सुनवाई टल गई थी। आज जो केस रखा था, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आज क्वांटम पे केस रखा था। क्वांटम का मतलब यही होता है कि सजा कितनी होनी है और कौन से सेक्शन में होनी है। तो दोनों तरफ से इसमें आर्गूमेंट आज बहस करी है। सीबीआई के एडवोकेट ने ऑनलाइन जो है वर्चुअल हेयरिंग की है, हमने यहाँ पे फिजिकल जो है हेयरिंग की है। सीबीआई वालों का यही कहना था कि इसमें डेथ पेनल्टी होनी चाहिए थी। इसमें ऐसे होता है कि डेथ पेनल्टी वो मांग रहे हैं तो उनको अपने ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं, कोई सर्कमस्टांसेस बताने पड़ते हैं कि क्यों डेथ पेनल्टी होनी है। तो उसी तरह हमें भी जो है अपने डिफेंस में मौका मिला है कि हमने आर्गूमेंट किए कि ये डेथ पेनल्टी वाला केस नहीं है, इसमें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से आर्गूमेंट हुई है। इसमें लीगल बात ये होती है कि एक ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करने होते हैं कि कोई एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस which compel the court to give the capital punishment. And as far as we is concerned, we have given the argument toward the mitigating circumstances, why the lesser punishment is given to the convict. So, इसमें जो argument उनकी तरफ से हुई है, सी बी आई की तरफ से, उनकी तरफ से दो तीन पॉइंट ज़्यादा ये थे कि एक तो इसको पहले सजा हुई है तो इसलिए ये जो है habitual offender है, इसको जो है कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। हीनियस क्राइम था, ब्रूटलिटी ऑफ द क्राइम की जिस तरह से क्राइम किया गया था, इस तरह जो किया गया था उसको, सारी चीज़ों को देखते हुए इसको कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। हमने ये आर्गूमेंट किया और ये कानून दिया है कि जो 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 एक कन्विक्ट की जो हिस्ट्री होती है वो नहीं देखी जानी चाहिए। और जो इसमें देखने वाली बात है कि ये रिफॉर्मेटरी सिस्टम में जो रिफॉर्म कर सकता है या रिहैबिलिटेशन हो सकती है इसकी, ये चीज़ें देखनी चाहिए। और ये जो केस था ये सर्कमस्टांसेस एविडेंस पे डिपेंड था, सारा सर्कमस्टांसेस एविडेंस के ऊपर सजा हुई है। तो जब सर्कमस्टांसेस एविडेंस के ऊपर सजा होती है तो कानून ये कहा काफ़ी हद तक ये बोलता है कि उसमें जो डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। फिर जो ये इनका सीबीआई का यही केस था कि ये स्पर्म मूवमेंट में ये ऑफेंस हुआ है, तो उसमें भी कानून ये बोलता है अगर कोई प्लान्ड मैनर में या प्री प्लान्ड कोई ऑफेंस नहीं हुआ तो उसमें भी डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो सारे आर्गूमेंट जो है हमारी तरफ से भी हम किए गए हैं और ये कोर्ट ने आज ऑब्जर्व किया है और देखे हैं, और उसके बाद ये 18 तारीख को ही फाइनल जो है ऑर्डर या जजमेंट के लिए लगा है कि क्या करना है, कितनी सजा होगी। वो अभी 18 तारीख इसी महीने लगा है, शुक्रवार का। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा।